शुमाल मगरबी हवाओं ने शहर का रुख कर लिया। बारिश बरसाने वाले बादल हफ्ते को पहुंच रहे हैं। लाहौर में 3 रोजा कयाम होगा। इतवार, पीर और मंगल को बारिश बरसेगी। महकमा मौसमियात ने अच्छी खबर सुना दी। माहौलियाती आलूदगी, खुश सर्दी और धुंध का खात्मा होगा। वबाई अमराज से भी निजात मिलेगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 रिकॉर्ड। बैरी ऑर्चर्ड 466, कोट लखपत 460 और देवी रोड पर 451 रिकॉर्ड। डिफेंस, मॉडर्न टाउन, गुलबर्ग, चेल रोड भी आलूदगी की छतरी तले सांस लेने लगे। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा, शहरियों ने बिजली चोरी शुरू कर दी। बिजली की तकसीम कार कंपनीज के सर्वे में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। लाइन लॉसेस की शरह 11.96% रिकॉर्ड। लेस्को को सालाना अरबों रुपए का नुकसान। पंजाब के बिजली चोरी वाले इलाकों में मेपको सर फहरिस्त। लाहौर समेत सूबे में अमनो अमान के लिए इकदाम। पंजाब में अमनो अमान के लिए इंतजामिया मूव सब कैबिनेट कमेटी के सपोर्ट। पंजाब हुकूमत ने कायमा कमेटी अमनो अमान कायम करने की तौसीक कर दी। वजीर कानून की सरबराही में कायम कैबिनेट कमेटी बाख्तियार होगी। कमेटी हंगामी सूरत हाल पर आर्मी और रेंजर्स को तलब, फंड इस्तेमाल कर सकेगी। पंजाब हुकूमत ने सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए 26 अरब रुपए का बजट इजाफी दे दिया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को 7 अरब 50 करोड़ रुपए, महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन को 18 अरब 52 करोड़ रुपए का इजाफी बजट दिया गया। दोनों महकमों ने हुकूमत 34 अरब रुपए की डिमांड की थी। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास, 5 तरक्याती स्कीमों के लिए 42 अरब 30 करोड़ 92 लाख के फंड मंजूर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में इस्लाहात के लिए 1 अरब 9 करोड़ 58 लाख मिलेंगे। पंजाब एयर रेस्क्यू सर्विस की फराहमी के लिए 11 अरब 63 करोड़ 10 लाख मंजूर। सर्कुलर रोड टूट फूट का शिकार, जगह जगह खड्डे, गाड़ियां तो दूर, पैदल चलना भी दुश्वार। ठेकेदार 6 माह बाद भी सड़क की तामीर ना कर सका। 14 करोड़ 96 लाख रुपए जारी हुए। सर्विस लाइन पर पुख्ता रास्ते तजावजात, माफिया ने फुटपाथ पर दुकानें सजा ली। रिपोर्ट मेयर लाहौर को इरसाल। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त, वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में पीटीआर की तमाम तंजीमें तहलील कर दी। आईनी कमेटी भी तश्कील दे दी। आइंदा मकामी क़यादत किसी उम्मीदवार के रिश्तेदार की नामजदगी का फैसला नहीं करेगी। इमरान खान का खुद टिकटों की तकसीम का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कमेटी नए सियासी प्लान को तश्कील देगी। पंजाब का बल्दियाती निज़ाम 31 दिसंबर को तहलील हो रहा है। महकमे बल्दियात ने नए सेटअप की तैयारी कर ली। इंतजामी अफसरान की दोबारा बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती का फैसला। नए एडमिनिस्ट्रेटर सेटअप में कमिश्नर का इख्तियार निगरान का होगा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटर डेप्टी कमिश्नर लाहौर होगा। सेक्रेटरी बल्दियात ने समरी वज़ीर-आला को भिजवा दी। महकमे बल्दियात ने डेप्टी कमिश्नर से मकामी हुकूमतों के नक्शे और आबादी का रिकॉर्ड मांग लिया। तफसीलात इलेक्शन कमीशन को भेजी जाएंगी। पीआरसी में जायदुल मयान स्टंट डालने का केस, 40,000 डॉक्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी। कोताही बरतने पर लैब में तैनात 19 स्टाफ नर्स से मौतल। मौतल स्टाफ में सबा इकबाल, अतिया सदाकत, इकरा हमीद, मरियम आबिद, हिना अक्रम समेत दीगर शामिल। पीड एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में तालिबान को हिरासत करने की शिकायत, मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए एंटी हरासमेंट कमेटी का। कमेटी में डेप्टी रजिस्ट्रार, एकेडमिक शेरसाद तनवीर और हिना अफसल शामिल। कमेटी 15 रोज में तालिबान की शिकायत का अजाला करेगी। शहर का बड़ा बाजार इचरा सीवरेज के मसाल से दोचार। रेडियों वाला चौक, अयूब मार्केट और सुल्तान अहमद रोड पर गंदे पानी के डेरे। पीने के पानी में भी गंदा पानी आने लगा। अहले इलाका वासा हुकाम पर फट पड़े। फरीद कॉलोनी, कच्चा जेल रोड पर भी गंदगी के अंबार। इलाके की इकलौती ग्राउंड कचरा कुंडी बन गई। ताफुन से सांस लेना मुहाल। छापे नामंजूर, एलपीजी की दुकानों को फौरी रजिस्टर किया जाए। डिस्ट्रीब्यूटर्स का हुकूमत से कानून साजी का मुतालिबा। अमल दरामद के लिए 30 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। 31 को एहतजाज का ऐलान, 10 और 11 जनवरी को मुकम्मल शटडाउन का कह दिया।
जखीरा अंदोजों के खिलाफ शिकंजा तैयार, जखीरा अंदोजी पर 3 से 5 साल कैद और जुर्माने की सजा होगी। अशिया की निस्फ कीमत का जुर्माना भी देना होगा। ट्रायल की मुद्दत 90 दिन, जुर्म नाकाबले जमानत होगा। गवर्नर पंजाब ने कानून की मंजूरी दे दी। अदालत आकर झूठ बोलते हैं तो बाहर क्या होगा। गलत रिपोर्ट जमा कराने वालों का मामला एडवोकेट जनरल देखें। जस्टिस शाहिद वहीद के कुरान मजीद लाजमी तालीम करार देने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर समाप्त में रिमार्क्स। बताएं कब और कितने असासा की ट्रेनिंग करवाएंगे। अदालत का इस्तफसार। 7,000 असासा की ट्रेनिंग करवाई जा रही है, भर्तियां जल्द शुरू होंगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का जवाब। अदालत ने अरबी पढ़ाने के लिए असासा की भर्तियों ट्रेनिंग के लिए 30 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर दी। वॉल्टन एयरपोर्ट के कुछ रकबे पर अजायब घर बन जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अजायब घर बनाने से सियाहत और आमदन में इजाफा होगा। जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। वॉल्टन एयरपोर्ट पर तरबियती तैयारों की परवासों के लिए दायर दरख्वास्त पर समाप्त। अजायब घर बनाने के लिए कमेटी तश्कील। आइंदा समाप्त पर वॉल्टन एयरपोर्ट पर अजायब घर बनाने तरबियती तैयारों की परवासों बारे दलाल तलब। नादरा का अनोखा कारनामा, शनाख्ती कार्ड में मर्द को खातून बना दिया। नंबर दुरुस्त करने से भी साफ इनकार। शहरी इंसाफ के लिए हाईकोर्ट पहुंच गया। जस्टिस राजीव महमूद सेठी ने उमेर बशीर की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला और चेयरमैन नादरा को नोटिस जारी कर दिए। निशा शफी के खिलाफ दर्ज मुकदमे के अखराज के लिए दायर दरख्वास्त पर समाप्त। हिना जेलानी एडवोकेट साकिब जेलानी एडवोकेट ने दलाल दिए। हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने घर टूटने से बचा लिया। सेशन जज काशिफ कयूम ने मियां बीवी में सुलह करा दी। झगड़ों से घर अलग नहीं किए जाते, जज काशिफ कयूम के रिमार्क्स। मियां बीवी में सुलह पर अदालत ने बच्चा हवालगी केस निपटा दिया। मुल्तान के लिए बुक कराई गई 2 बैटरियां खराब हालत में पहुंचाने का केस। अशिया कार्गो रेलवे स्टेशन के मालिक के खिलाफ 2 लाख रुपए की डिग्री जारी। जौहर टाउन के वकास असफर ने सारिफ अदालत में हर जाने का दावा दायर किया था। पंजाब असेंबली के इजलास में रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की गूंज। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी, एवान में तख्त जुमलों का तबादला। चोर चोर के नारे, जिम्मेदारों के खिलाफ एंटी करप्शन में केस चल रहा है। पार्लिमानी सेक्रेटरी तैमूर मसूद का जवाब। मियां असलम इकबाल ने कहा हुकूमत हुनरमंद और बेरोजगार नौजवानों के लिए मौसर इकदाम कर रही है। नॉलेज पार्क में 200 एकड़ रकबे पर यूनिवर्सिटियां बनाई जाएंगी। इन प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर जाएंगे जिसमें आवाम का पैसा लगा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले नून लीग का क्रेडिट दीवारें हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपनी शिकस्त का जश्न मना रहे हैं। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई सुथरा के इंतजाम का जायजा। कमिश्नर ने मसीह बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। वर्कर्स को मिठाई भी खिलाई। डीसी लाहौर उमर शेख चट्ठा का लाहौर चैंबर का दौरा। मियां नुमान कबीर और दीगर अहदेदारों से मुलाकात। ताजरों ने मुख्तलिफ मार्केट से मसाइल से आगाह किया। डीसी ने मसाइल हल के कराने की यकीन दहानी कराई। नून लीग का एन 127 सिंहपुरा ऑफिस में इजलास। अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर समेत दीगर की शिरकत। यौम पाक की तकरीबात का जायजा। डेप्टी मेयर निश्तर जोन राव शहाबुद्दीन ने कादे आजम और मियां नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। कामरान मलिक, राव अफसल मोहम्मद दीन समेत दीगर की शिरकत। क्रिसमस की तैयारियां रूज पर। गिरजाघरों में इंतजाम मुकम्मल। मसीह बरादरी के घर जगमगाने लगे। आज आईजी पंजाब की जानिब से मसीह मुलाजमीन के एजाज में तकरीब। क्रिसमस का केक काटा। पीटीआई मजहबी अमूर विंग के वक्त की कैथीड्रल चर्च आमद। आर्च बिशप फ्रांसिस शॉ से मुलाकात। क्रिसमस का केक पेश किया। तहरीक इंसाफ लाहौर ऑफिस में भी क्रिसमस की तकरीब। गुलाम मोहियुद्दीन दीवान, कामरान अब्बास, सलीम सहूत्रा की शिरकत। एलडी ऑफिस में भी मसीह बरादरी के एजाज में तकरीब सजाई गई। टाउन हॉल में खिदमत ग्रुप सीबीए यूनियन ने मसीही मुलाजमीन में गिफ्ट तकसीम किए।
जमात इस्लामी बीपी 160 की सियासी काउंसिल का इजलास, बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। सलमान बलोच ने कहा, अवामी मसाइल के हल के लिए कभी पीछे नहीं रहेंगे। एसपी मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अमारा शेराजी का सेशन कोर्ट का दौरा, खवातीन प्रोसिक्यूटर से मुलाकात। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय मुश्ताक अहमद ने केसेस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। पंजाब यूनिवर्सिटी पाक आर्मी के शहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम स्कॉलरशिप देगी। हर शोबे में दो नशिस्तें मुख्त की जाएंगी। तलबा से ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस भी नहीं ली जाएगी। महाना 5,000 स्कॉलरशिप भी मिलेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीएसक्यू को खत लिख दिया। लाहौर चैम्बर की 7 साला तकरीबा का आगाज, 1 जनवरी से स्प्रिंग फेस्टिवल होगा। शहर के तारीखी बाजारों को खूबसूरती से सजाया जाएगा। ताजरों के दरमियान क्रिकेट मैच होंगे। जश्न बहारा को भी खुशामदीद कहा जाएगा। मर्दानी जैदी तकरीबा कमेटी के चेयरमैन नामजद। आर्मी इदारा सेहत सोमालिया के वफदा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का दौरा, वाइस चांसलर यूएचएस प्रोफेसर जावेद अकरम से मुलाकात। प्रोफेसर मारूफ अजीज डॉक्टर खालिद रहीम खान भी मौजूद रहे। पाकिस्तान में सोमालियन तलबा के लिए मेडिकल एजुकेशन के मौकों पर तबादला ख्याल। अमरीकी कौंसल जनरल विलियम मैकैंडल का एसओएस विलेज का दौरा, बच्चों में तहाज तकसीम किए। फुटबॉल मैच खेला, यूएस मैरिन से बच्चों को कहानियां सुनाई। पूल से चेहरे खुशी से खिल उठे। पाकिस्तान आर्मी के तहत पोलो एंड टेंट पिकिंग चैंपियनशिप, हाई गोल कैटेगरी में रावलपिंडी कोर की फतह, लो गोल कैटेगरी में गुजरावाला को नुमाया रहा। नीजाबाजी में लेफ्टिनेंट कर्नल तबस्सुम जिया ने कामयाबी के झंडे गाड़े। और पीसीबी सेंट्रल पंजाब वेस्ट जोन विंटर लीग क्रिकेट सेंटर क्लब चैंपियन बन गया। फाइनल मैच में टाउनशिप वाइट्स क्लब को 56 रन से शिकस्त, तारिक नवाज ने शानदार 57 रन बनाए।